डॉक्टर एमपी चंद्राकर की बरसी कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्सटर्शन की बात सामने आई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की बची 5 सीटों पर आज उम्मीदवार घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रुपए के हेरफेर का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी का स्लीपर सेल बताते हुए कहा कि अगर सचमुच में ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो पार्टी के भीतर बात करते, उसे वायरल नहीं करते। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये इससे स्पष्ट हो गया है कि ये एक्सटॉर्शन और जो एजेंसियां हैं उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। एक तरफ आप ईडी आईटी के छापा डालवाते हैं और दूसरे तरफ उसे प्रोटेक्शन मनी भी लेते हैं। इस प्रकार के आरोप पहली बार प्रमाणित देश के इतिहास में, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों को, नेताओं पर, लेकिन ये पहली बार है ये प्रमाणित ये हो रहा है कि ऐसे 21 कंपनी 14 से 21 कंपनियां हैं जिसमें सीधा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और जमा कराया गया। तो ये प्रमाणित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण और इस दशक में ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी पहला है। देखिए, ये पार्टी के सही कार्यकर्ता होते तो पार्टी के भीतर में बात करते, उसे वायरल नहीं करते। ये कोई मुद्दा है तो पार्टी के भीतर उठाते, लेकिन सार्वजनिक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के स्लीपर सेल के तरह काम कर रहे हैं आप। मैं समझता हूँ आज सीसी की बैठक है और फाइनल हो जाएगा और आज शाम तक के, देर रात तक के सूची आ जानी चाहिए।